हाँ क्यों नहीं खाएंगे, जरूर खाएंगे। हाँ पापा, बेटा लिट्टू जाओ जाके अपना काम करो, आपका ही काम होगा। अंकल आपके पैसे गिर गए थे। अरे मेरे पैसे? शिट, ये कैसे गिर गए? थैंक यू सो मच बेटा, मेरे पैसे वापस देने के लिए। इट्स ओके अंकल, तुमने मुझे मेरे पैसे वापस दिए ना, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये लो, ये 500 रुपए तुम्हारी ईमानदारी के लिए, रखो। नहीं अंकल मुझे ही नहीं चाहिए। क्या हुआ, रखो ना बेटा, चलो। सर आप क्या लेंगे? क्या खाओगे बेटा? पापा फ्राइड राइस। हाँ, एक हाफ प्लेट फ्राइड राइस ले आइएगा। ओके, और सर आपके लिए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, लो बेटा खाओ। अरे पापा आप भी खाओ ना। नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। पापा अगर आपने खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे बेटा मुझे फ्राइड राइस अच्छे नहीं लगते। अच्छा मैं 2 मिनट वॉशरूम से आता हूँ, तुम खाओ जब तक, ठीक है? रुको बेटा, तुम फ्राइड राइस क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि मेरे पापा नहीं खा रहे हैं। सर को पता है कि उनको भूख है और उनको फ्राइड राइस अच्छे भी लगते हैं, इसलिए वो नहीं खा रहे हैं ताकि मैं खा सकूं। क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते हैं ना। और ये सब तुम्हें कैसे पता? वो अंकल थोड़ी देर पहले आओ पापा, चलो नारियल पानी पीते हैं। ठीक है बेटा आओ। भैया नारियल पानी कैसे दिया है? 60 रुपये भाई साहब। 60? ठीक है, एक दे दो। पापा एक क्यों, दो लो ना। बेटा वो नारियल पानी मुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए तुम पी लो। भैया एक ही देना, ये लो भैया स्ट्रॉ। वो नारियल पानी वाले के पास में देखा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा ने एक नारियल लेके मुझे दिया। मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता, मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते हैं और वो मेरे लिए हर सामान ले आते हैं और पापा अपने लिए कुछ नहीं लाते। अरे नहीं नहीं बेटा तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हारे पापा भी सब कुछ खाएंगे जो तुम चाहोगे। तुम जाके अपना खाना खाओ, जैसे ही तुम्हारे पापा आते हैं वो हर एक चीज खाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है? चल। लेकिन हमने तो नहीं मंगवाया। सर आप हमारे लकी कस्टमर हैं। आज हमारे रेस्टोरेंट में एक ऑफर चला था कि जो हमारा लकी कस्टमर होगा उनको मील हमारी तरफ से दिया जाएगा, तो ये आपके लिए। अरे भैया वो टेबल नंबर 3 पे एक थाली करवाती थी और पैसे इसमें से काटे। आप क्यों कटवा रहे हैं उनके पैसे, आप जानते हो इधर? नहीं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि वो परिवार थोड़ा सा गरीब परिवार है, तो उसके पापा ने अपने बच्चे को खाना तो दिला दिया है लेकिन खुद नहीं खा रहे, ताकि उनका बच्चा पेट भर के खाना खा सके। और ये बात बच्चे को पता है कि उसके पापा के पास पैसे नहीं, इस बात से वो टेंशन में। बच्चों के पापा उनके लिए हीरो होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे के दिमाग में अपने पापा के लिए कुछ गलत विचार आए, इसीलिए उनका खाना मेरी तरफ से आप करवा दीजिए। वाह सर आप तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, एक आप अपने पैसे अपने पास रखिए, उनका खाना हमारी तरफ से। धन्यवाद सर, चलता हूँ।